नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मथुरा तहसील छाता के अंतर्गत हुई लूट की वारदात, दहल गया छाता। एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई पीड़ित व्यक्ति सतेंद्र पाल ने। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के द्वारा लगाई गुहार। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने दिलाया न्याय का भरोसा। जनपद में अपराध अपराधियों पर नहीं लग पा रहा अंकुश, अपराधी है बेखौफ। अब देखते हैं कि लूट की इस घटना से मथुरा जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्या इस घटना का मथुरा पुलिस खुलासा कर पाई, या प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी इस घटना को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। मथुरा से वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता के साथ। बता दें कि मथुरा जनपद में शासन की मंशा के अनुरूप अपराध अपराधियों पर लगाम नहीं लग पा रही है। मथुरा जनपद के एसएसपी शैलेश कुमार पांडे जी ने जब पुलिस लाइन सभागार में चार्ज ग्रहण किया था तो पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा था कि मेरा मुख्य बिंदु जनपद से मैं भली भांति अवगत हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर एसपी सिटी भी रहे थे उससे पूर्व। तो मतलब जो है जनपद में अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाना मेरा मुख्य इश्यूज रहेगा। मसलन यहाँ तो अपराध और अपराधी बेखौफ हैं और महिलाओं के साथ और जो है लूटकांड जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसी तरह का एक मामला तहसील छाता के अंतर्गत आया है। ये लोग आए हैं एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के द्वार, लगाई है न्याय की गुहार। इनसे जानते हैं क्या मामला है आपका। मेरे साथ में लूट, क्या लूट हुई है, क्या हुई है लूट बताओ। मेरे साथ में मैं बाइक पे आ रहा था। अच्छा, बाइक के आगे मेरी गाड़ी लगा कर मेरी बाइक से मुझ पर पहले मारपीट की, फिर मेरे साथ पैसे थे, पैसे लूट के ऐसे चला गया। छाता में कौन सी जगह? गोवर्धन चौराहे से थोड़ा सा गोपाल हॉस्पिटल उससे आगे कोतवाली छाता आती है जी। तो छाता कोतवाली क्या करें, छाता कोतवाली कल मैं 12 बजे से नहीं बैठा हुआ हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं। एसएसपी पांडे जी से आप मिले है ना, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि कार्रवाई होगी। अच्छा, कार्रवाई होगी। तो उन्होंने कोई ऐसा अध्यादेश या कोई आला अधिकारियों को कोतवाल साहब को दूरभाष के माध्यम से या कैसे भी आदेश किया है? अभी आदेश उन्होंने ले लिया, आदेश करेंगे वो बोला। आपका नाम क्या है? सतेंद्र पाल। छाता कहीं क्या रहने वाले? छाता से 5 किलोमीटर पीछे नरी असेंबली का रहने वाला। और वैसे उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना विकास चीनी मंत्री छाता विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण तो विधायक हैं, वो आपके इधर के उनसे नहीं मिले जी? नहीं मिल पाए। एसएसपी साहब के पास ही आए सीधा, वहाँ सुनवाई नहीं हुई है उन्होंने। अब मैंने रात बोला, उन्होंने 8 बजे तक बैठाई रखा उन्होंने। वैसे मंत्री जी तो सदैव सबकी मदद को तत्पर है ना जी, तो एक बार उनसे मिल लेते तो हो सकता था आपकी कोई सुनवाई यहाँ पर। यहाँ पर लूट किसने की थी? अच्छा, जानते हो उन लोगों को? वो गाड़ी में लूट के लेने लेके आए, वहीं के रहने वाले हैं, उनकी गाड़ी का नंबर पता पड़ा। अच्छा, आप ये कह रहे हो ना कि वो मतलब वहाँ जानकारी की ऐसे गाड़ी के नंबर से। खबरों में अब तक लेबस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।